मेरे सम्मानित सभी प्रिय, अभी जो दौर चल रहा है, इस दौर में सबसे पहली बात है क्या कि हर लोगों के दिमाग में ये चल रहा है कि पॉजिटिविटी से ज़्यादा नेगेटिविटी थॉट डेवलप हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल से हमारे जितने भी एस्पायरेंट हैं जो जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें एक चीज़ अपने दिमाग में फिट कर लेना होगा कि आप घबराइए नहीं। एक्चुअली हर एक दौर आता है, दौर के बाद कुछ ना कुछ उसका एक नए सिरे से एक तैयारी होती है। कुछ लोगों को ये चिंता है कि सर मेंस की परीक्षा ले लेगी तो हमारा ऑनलाइन, चूंकि ऑनलाइन क्लास क्या है ना कि ऑनलाइन क्लास में आप जाते तो जरूर हैं लेकिन जो आपकी कंटिन्यूटी है वो ऑफलाइन में ही कंप्लीट हो पाती है। हमने भी इसका काफ़ी प्रयास किया, हमने अलग अलग तरीके से चीज़ों को डालना शुरू किया, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि जो आपके पास जो मोबाइल है, जो एक्सपोजर आपका है, वो एक डिफरेंट तरीके का चीज़ है। उसमें हर चीज़ों का एक समावेशन है, इंक्लूजन है। आप कुछ ऐसे ही कैंडिडेट होंगे जो अपने आप को बहुत कंसंट्रेट कर पाते हैं उस मोबाइल में, खासकर अपने एजुकेशन लाइनअप की तरफ। अदरवाइज जो उसमें डेविएशन का चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाता है। तो अब घबराइए नहीं, एग्जामिनेशन तो अभी इस वक्त तो होने वाला है नहीं। और अगर आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर सर्टेन एग्जामिनेशन हो जाएगा तो क्या होगा, नहीं, आप फिर से आप शुरू कीजिएगा, फिर से हम लोग उस गतिविधि में आएंगे और हम लोग वहाँ तक पहुँच पाएंगे। इसमें कहीं कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। आप हल्का सा भी बोझिल ना हो, अपने मन में कोई निगेटिव थाट ना लाएं। और चूंकि है क्या कि अभी जो वर्तमान स्वरूप है, इस वर्तमान स्वरूप में जितने भी एग्जामिनेशन का जो हम लोग के पास आने वाले अपकमिंग एग्जामिनेशन है, उसमें आप लोग को चिंता करने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब ऑफलाइन स्टार्ट होगा, आप जब पूरे समूह में होंगे, आप जब अपने साथियों के साथ पढ़ेंगे, आप जब क्लासरूम में होंगे, तो आपका पढ़ने का स्टाइल बिल्कुल बदल जाएगा। और वो मुझे पता है कि उस एक घंटे में ऑफलाइन क्लास में 40 से 45 मिनट से ज़्यादा कंसंट्रेशन बन नहीं पाता है। डेढ़ घंटे दो घंटे के क्लास उबाऊ हो जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि मोबाइल में लेकर के ऑनलाइन क्लास को उतना समय तक देखना, वैसे मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, ऐसा मत सोचिएगा कि मैं ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं इसके खिलाफ हूँ। मैं इसके खिलाफ बिल्कुल नहीं हूँ। अभी जो कुछ भी हो पा रहा है वो मैं प्रोवाइड भी करूँगा। और चूंकि हमने छोटे बोर्ड से एक बड़े बोर्ड का आज व्यवस्था किया है, इसलिए मैं आपसे आपके सामने आया भी हूँ। मैं बहुत दिनों से, चूंकि वो छोटे बोर्ड पर वो काम हो नहीं पा रहा था, तो अब एक बड़ा बोर्ड का व्यवस्था मैं कर लिया हूँ। अब चूंकि है क्या कि कुछ चीज़ों को आपको देंगे, लेकिन आप जो है ना, पढ़ने के वक्त सिर्फ पढ़िए, उसके बीच में ये मत सोचिए एग्जामिनेशन कब होगा, आज होगा, कल होगा, कब तक होगा, ये एग्जामिनेशन होगा कि नहीं, ये दौर कैसा चल रहा है। चूंकि अभी जो है ना, अभी माहौल ऐसा है कि हर विद्यार्थियों के मन में एक बात चल रही है कि आखिरकार अपने आप को स्थापित कैसे करें। तो आप सबसे पहले अपनी दिनचर्या रूटीन बनाइए, वार्म अप कीजिए, सुबह सुबह उठिए, वो अपने आप को वार्म अप कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, घर के कुछ कामों में हाथ बटाइए। ऐसा नहीं कि आप अपने घर के कामों में कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे तो इससे कोई आपको नेगेटिव होगा, आपका कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन उस पर जाएगा, आपका टाइम भी उसमें लगेगा। तो बेसिकली आप लोग से जितने भी एस्पायरेंट हैं जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बस आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इस दौरान अपने आप को हल्का सा भी नकारात्मक सोच की तरफ मत ले जाइएगा। जब भी अकेले में आप बैठिए तो जैसे निगेटिव थाट आप में डेवलप होना शुरू हो जाए, उस जगह से हटिए और दूसरे कार्यों के प्रति रखिए। जैसे कुछ फिजूल काम भी तो कर सकते हैं, जैसे आपका जो बहुत दिनों से बुक है उसको आराम से सबको अरेंज कीजिए, डिसअरेंज कीजिए, फिर अरेंज कीजिए, तो आपका काम उसमें चलता जाएगा और आपको कहीं पर भी कोई तकलीफ नहीं होगी कि मैं बिल्कुल बेकार हूं, मेरे पास कोई काम नहीं है। बस इस समय में आप अपने आप को सुरक्षित रखें, आपका सुरक्षित रहना सबसे पहले आवश्यक है और पूरी तरह से इसका पालन करें और फिर हम लोग इस समस्या से उभर करके सामने आएंगे। आप लोग को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपका जो ऑफलाइन स्टार्ट होगा, जब हमारा इंस्टीट्यूशन फिर से रीस्टार्ट होगा, तो हम उसी जोश और उसी जज्बे के साथ आपको पढ़ाएंगे। जय हिंद, भारत माता की जय।